So hello everyone, water solution solubility and hydrogen का लेक्चर 3 है ये, और लेक्चर बाकी पिछले दो लेक्चर को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, और एयर ऑक्सीजन का भी प्लेलिस्ट जो है इसके पहले का चैप्टर का उसका बना दिया है, उसको भी देख सकते हो, और बाकी के भी चैप्टर्स को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। सो आगे हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, बहुत सारे टर्म्स को हमने देखा था इसके पीछे वाले क्लास में। हम लोगों ने बहुत सारे टर्म को, जैसे बाइनरी सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कप्स। अच्छा, सॉल्युबिलिटी कप्स किसके किसके बीच में था, हमारा सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर के बीच में था। ठीक है, कोई पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी कप्स जो ग्राफ बनता है वो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में होता है। क्रिस्टलाइजेशन, इफ्लोरेसेंस, डेलिक्विसेंस, हाइग्रोस्कोपिक और डेसिकेटिंग एजेंट, इस सब के बारे में पिछले क्लास में हमने इस पे पढ़ा था। इसलिए करता हूँ ताकि रिविजन हो जाए थोड़ा सा। तो अब इसमें, और उसे पिछले वाले में हमने वाटर के बारे में बहुत सारा रिएक्शंस वगैरह, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ये सब उसका देखा था। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये चैप्टर नंबर 5 है पियर्सन का और लेक्चर नंबर 3 है। ज़्यादा नहीं बड़ा बनाऊंगा इसको, 20 मिनट 21 मिनट में ही इसको करूंगा, ताकि दूसरा पार्ट भी इसका बना सकूं, क्योंकि मुझे लगता है 40 मिनट ये सब हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत होता होगा। सो सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। आई मीन ये बहुत ही यूनिक है इसके बारे में ये चीज़, कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, और ये लाइटेस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1U है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के अंदर 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियडिक टेबल में जिसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, कि कौन है ये, हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन मेनली 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको पता होगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, और सबसे ज्यादा कौन सा एग्जिस्ट करता है, ये वाला आइसोटोप 1H1 जो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। एक होता है हमारा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और एक तीसरा वाला ये चीज हो गया। तो ये जो ड्यूट्रियम है ना, हैवी वाटर इसी को कहते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज होता है। ये बहुत क्वेश्चन बनता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कि हैवी वाटर जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर यूज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको D2O कहते हैं ना, ड्यूट्रियम, D2O। ठीक है, तो कहीं एग्जाम में आएगा तो आपको 4 नंबर फ्री में मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का मतलब क्या। तो हाइड्रोजन का लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसिंग, क्योंकि जब सबसे पहले लेविसियर ने इसको देखा और इसका बताया, लेविसियर ने सबसे पहले बताया इसको, प्रूव किया कि ये एक एलिमेंट है, लेविसियर। ठीक है, एक फ्रेंच नेम है, लेकिन उससे पहले 1762 में हेनरी कैवेंडिश ने फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश द एलिमेंटल नेचर ऑफ हाइड्रोजन। कैसे, H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि मेटल के साथ रिएक्शन, जब भी मेटल डाइल्यूटेड HCl या डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, इसको देखेंगे। तो इसमें लेविसियर का भी काफ़ी योगदान था, लेविसियर ने इसको नाम दिया था हाइड्रोजन। ठीक है, यानी वाटर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसिंग। हाइड्रोजन लगभग 1.1% है एटमोसफेयर का। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये चूंकि हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का, थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ना चाहते हैं, तो क्या होगा अगर एटमोसफेयर में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए, एटमोसफेयर में हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाए, यानी 1.1% से बढ़ के मान लीजिए 5% 10% हो जाए, कैसे। ऑक्सीजन अभी कितना है हमारा, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है। ठीक है, तो मान लीजिए हाइड्रोजन 10% हो गया, 15% हो गया, तब क्या होगा। ठीक है, इसको खोजना जरा सा कि इसका कैसे क्या होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो, होता यह है कि इस आर्टिकल को पढ़ोगे आप, इस आर्टिकल को caltech.edu पे मैं जब खोज रहा था कि क्या होगा, तो इसमें मुझे पता चला कि अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ता है एटमोसफेयर में तो पता है क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंच सकता है, और प्लस में अपर एटमोसफेयर जो है वो क्या होगा, कूलिंग होने लगेगा, अपर एटमोसफेयर में कूलिंग होने लगेगा, यानी ठंडा होने लगेगा, और अपर एटमोसफेयर में वाटर का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, वाटर फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा।
अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ता है। आपको याद है ऑक्सीजन वाले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है तो क्या होगा, नाइट्रोजन का बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये फोर्थ चैप्टर में से पढ़ा था, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। और ये पूरा ये क्यों होता है, अब ये क्वेश्चन भी उठता है, तो इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ना, क्योंकि अगर मैं पूरा बताने चला तो बहुत समय लगेगा। देखो कितना अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, और इसको पढ़ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये आर्टिकल, है हाइड्रोजन इकोनॉमी माइट इंपैक्ट अर्थ स्टेटोस्फेयर स्टडीज सोर्स। क्योंकि हाइड्रोजन का जब ज़्यादा यूज होने लगेगा जब इकोनॉमी में, तो बहुत सारे हाइड्रोजन का लीकेजेस भी होगा, और ऐसे जो लीकेजेस होंगे तो उसके चलते एटमोसफेयर में हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, और उसके चलते स्टेटोस्फेयर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक दो बात कहना था इस पर। फिर आते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में बहुत कम पाया जाता है, जबकि हमारा ऑक्सीजन फ्री स्टेट में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। आप देखो ना 21% एटमॉस्फेयर में है, वाटर बॉडीज में सॉल्युबल भी होता है, तो हमारा ऑक्सीजन तो अच्छा खासा पाया, लेकिन हाइड्रोजन का है कि ये रेयरली फाउंड फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट समझते हो ना कि H2 केवल, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन है, वो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है केमिकली। मोस्टली किसमें पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में। और फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट के बारे में हम लोग एयर ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन का टॉपिक देख रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छे से हमने इसे पढ़ा भी था। तो मोस्टली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, कौन, हाइड्रोजन। अब कंबाइंड स्टेट कैसे कैसे, प्रोटीन्स में होता है, वाटर में, तो कंबाइंड स्टेट में तो है, क्योंकि देखो वाटर H2O है, देखो तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, जब हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में हो। कार्बन कंपाउंड्स में बहुत सारे, आप देखो ना घर में आप LPG, ब्यूटेन, ये सबका C4H10, यही ना ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन केमिकली आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो हाइड्रोकार्बन है ना, और सिर्फ वे ही हों, ये नहीं कि कोई तीसरा एलिमेंट। तो हाइड्रोकार्बन बहुत सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन होते हैं, प्लस में आपका एंजाइम्स हो गए, ठीक है, विटामिन्स हो गए, तो ये जो चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती हैं, ये सभी में कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब तो हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने जान भी लिया, तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब यहीं से बहुत सारे बच्चे लोग खिसकने लगते हैं, क्योंकि ये सब रिएक्शन देख के भी थोड़ा डर वगैरह उन लोगों को लगने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस रिएक्शन को पहले भी देख चुके हैं, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये बहुत ही विग्रेसली रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में बहुत सारा हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी इवॉल्व होता है, इनफैक्ट इसमें तो आग ही लग जाता है ऐसे रिएक्शंस में। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो ये हमारा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया, इसको हम लोग ने पहले के लेक्चर में देखा था। फिर मैग्नीशियम, जब हम स्टीम से इसको पास करवाते हैं, एक हॉट मैग्नीशियम को स्टीम से, स्टीम जानते हो, देखो एक चीज मैं कभी याद दिलाना मुझे, स्टीम और वाटर पेपर में अंतर होता है, ठीक है, जो भी लोग देख रहे हो बताना कि स्टीम और वाटर पेपर में क्या अंतर है, दोनों का मतलब तो भाप ही होता है ना इंग्लिश में, वेपर, तो अंतर क्या है, होता क्या है कि जैसे देखो मान लो कोई एक बर्तन है, उसमें पानी वगैरह, मान लो कुछ भी चीज, लिक्विड चीज गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर कुछ भाप जैसा निकलते रहता है, तो यहाँ पर तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो गायब हो जाता है, वो जो भाप था। तो इस एरिया में जब कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर पेपर का, तो ऐसे इसको स्टीम कहते हैं, और इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ठीक है, इस एरिया में, लेकिन जैसे ही ऊपर गया तो भाप सब क्या हो गए, दूर दूर हो गए उसके पार्टिकल्स, तो ऐसे में उस समय इसको वाटर वेपर कहते हैं। एक छोटा सा समझ लो कि जब इस वाटर वेपर, मतलब जब जब लिक्विड, जब वाटर का जो गैसीय स्टेट होता है उसमें जब पार्टिकल्स दूर दूर हों और उनके टेम्परेचर, पार्टिकल दूर दूर हों, तो वाटर वेपर कहलाता है, लेकिन पार्टिकल जब नजदीक हो, जैसे जब पानी गर्म हो रहा है, तो उसके सरफेस के नजदीक बहुत सारे आपको दिख जाएंगे ऊपर उड़ते हुए गैसीय सब्सटेंसेस, उस समय उसको स्टीम कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक हैं और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो इसलिए स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है वाटर वेपर से, एक चीज आपने ये भी जाना, तो इसलिए स्टीम का यूज किया है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। फिर जिंक तो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां से हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं लेबोरेटरी में, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। फिर आप एक तरीका और है कि मेटल का अल्कली के साथ, ये देख रहे हो अल्कली है ना, क्योंकि बेसिक है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन होता है, तो ये क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन होता है। तो इसमें देख लेना, इस रिएक्शन इज वायलेंट, दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, और इसमें है रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन बॉइलिंग, ये वाला रिएक्शन बॉइलिंग पर टेक्स प्लेस करता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, वे ऐसे नहीं हो पाते हैं।
नॉर्मल कंडीशंस में वो उनका रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता है। तो ये तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हाइड्रोजन के बारे में और भी कई सारा सवाल होगा आपके पास। जैसे एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हाइड्रोजन इतना अच्छा फ्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल भी है ना, तो क्यों नहीं उसका फ्यूल की तरह यूज करते हैं हम लोग गाड़ियों में, घरों में। तो इसका भी हम लोग करेंगे कि अभी क्यों नहीं उसका यूज करते हैं। वैसे आप लोग को पता भी होगा, लेकिन फिर भी। तो लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ऑल मेटल्स, ओके, ऑल मेटल्स प्रेजेंट एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। आपको याद है जब हम लोग LOCNTOS पढ़े थे तो एक रिएक्टिविटी सीरीज को हमने देखा था, ठीक है, देखा था ना कि सबसे रिएक्टिव सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, ऐसे करते 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 फिर हाइड्रोजन, और उसके नीचे भी थे कई सारे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, घटते जाता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है, जो भी सब्सटेंस थे, उनका रिएक्शन कराओगे, ऑल मेटल्स प्रेजेंट एबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट्स हाइड्रोजनस। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स हैं उनका, उनको अगर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस देगा। अच्छा, अगर कंसनट्रेटेड HCl या कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस समय क्या होगा, ठीक है, पता करना इसके बारे में। तो जब जिंक का रिएक्शन, ये डाइल्यूट सब, ठीक है, डाइल्यूट लिख लेना, डाइल्यूट जो भी हो लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर भी डाइल्यूट लिख लेना। तो ये क्या, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है, और यहाँ जिंक को ही फिर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जिंक ही क्यों लेते हैं इतना सारा, कई सारे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और उनका रिएक्शन अगर करवाएंगे HCl या H2SO4 से तो वे H2 देना चाहिए, वे H2 देते हैं, लेकिन जिंक ही क्यों लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास में किया भी था एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दिया था डाइल्यूट HCl या H2SO4 में, और उसको मोमबत्ती के सामने ले गए थे, तो पॉप साउंड के साथ मोमबत्ती बुझ गया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक दूसरा दिया हुआ है कि थ्रिस्टल कैप में H2SO4 है डायलूट, और उसको बूंद बूंद गिरा रहे हैं, और ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये इसका हाइट यहाँ थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, और इसमें ग्रैनुलेटेड जिंक है, जिंक मतलब छोटे छोटे पीसेस जिंक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और ये ट्यूब से होते हाइड्रोजन गैस क्या होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के माध्यम से हम लोग हाइड्रोजन गैस को यहाँ पाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, नीचे तो वाटर है, और ये चीज इस तरह से आप अति कर सकते हो। तो अब लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस मिला ना, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, आर्सेनाइन है, फॉस्फीन है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, CO2, SO2, NO2 है, H2O वाटर पेपर के फॉर्म में। ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन मिला है ना गाइस, कलेक्ट किया हम लोगों ने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कैसे कलेक्ट किया जाता है, और क्यों डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हाइड्रोजन को कलेक्ट किया, ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों नहीं किया, ये भी रीजन मैंने बताया था। ऑक्सीजन को भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट करते हैं, याद है चैप्टर 4 में, तो आई होप कि आपको याद है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ ना, इसके चलते इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हैं, तो कैसे इनको अलग करते हैं, तो आर्सेनाइन और फॉस्फाइन, इफ आई एम करेक्ट, इसको आर्सेनाइन पढ़ते हैं शायद, और फॉस्फीन, तो इनको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से पास करवाते हैं, तो ये इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं, रिएक्शन करके ये अलग हो जाते हैं। फिर इनको लेड नाइट्रेट से पास करवाते हैं तो H2S अलग होके अलग हो जाता है। फिर कॉस्टिक पोटैश, आपको पता है कॉस्टिक पोटैश क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही कॉस्टिक पोटैश है, तो कास्टिक पोटास से फिर पास करवाते हैं उसी को मिक्स, जो हमें गैस हमने कलेक्ट किया था, फिर SO2, CO2 और NO2 बाहर हो जाता है, और अंत में वाटर वेपर को अलग करने के लिए NHCACl2, ठीक है, NHCACl2 लिखना चाहिए था, NHCACl2 या P2O5 पोटेशियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि ड्राइंग एजेंट है, और आपको पता भी है कि ये और कुछ नहीं बल्कि डेसिकेटिंग एजेंट्स में भी इनका नाम आता है। आपको पता है ना डेसिकेटिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर के एक्सपोजर में आने पर वाटर मॉइस्चर को अब्जर्व कर लेते हैं बिना अपना स्टेट चेंज किए, ओके, तो ये चीज डेसिकेटिंग एजेंट कहते हैं, तो ये डेसिकेटिंग एजेंट है। तो जो भी हमें गैस मिला ना इस वाले एक्सपेरिमेंट में, उसको हमने देखो इस तरह से पास कराया,
ये देखो पहले यहां से गैस गया तो AgNO3 सॉल्यूशन से पास करवा के इससे आर्सेनिन और फॉस्फिन को अलग करवा लिया, फिर इसी गैस को यहां से हमने इसे लेड नाइट्रेट से पास करवा के H2S को अलग कर लिया, फिर इसी गैस को KOH सॉल्यूशन से पास करवा के CO2S से 2NO2 जो था वो अलग हो गया, फिर इसी गैस में वाटर वेपर जो बचा उसको अलग कर लिया कैसे, एनी हाइड्रोजन CaCl2 से पास करवा के जो कि एक ड्राइंग एजेंट है, और यहाँ से हमें प्योर हाइड्रोजन गैस बाहर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इम्प्योर हाइड्रोजन है, ठीक है, इम्प्योर क्यों मिला, इम्प्योर हाइड्रोजन गैस क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर जो हमने जिंक यूज किया था, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने जिंक यूज किया था ना ये खुद इम्प्योर था पूरी तरह से, ये जो ग्रैनुलेटेड जिंक हमने लिया था ना, ग्रैनुलेटेड जिंक ये पूरी तरह से प्योर नहीं था, हमने जानबूझ के इम्प्योर नहीं लिया, लेकिन ये ग्रैनुलेटेड जिंक पूरी तरह से इम्प्योर नहीं थे, ठीक है, नहीं होते हैं या कह सकते हो, ठीक है। इसमें कई सारे प्रिकॉशन भी लेने होते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में, एंटायर अपरेटर शुड बी केप्ट एयर टाइट, कॉन्टैक्ट विद फिल्म शुड बी अवॉइडेड, कलेक्शन ऑफ द गैस शुड बी डन ओनली आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ एयर, द एंड ऑफ द थिस्टल फनल शुड ऑलमोस्ट टच द बॉटम। आप पढ़ लेना आपके बुक में दिया हुआ 4 पॉइंट्स। और ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि क्यों हाइड्रोजन गैस को जो है जिंक के साथ ही ज्यादा रिएक्शन करवा के, सॉरी हाइड्रोजन गैस बोल रहा हूँ, जिंक का रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 डायल्यूट H2SO4 या डायल्यूट NCl के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन गैस को हम लोग इवॉल्व करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं, क्यों, क्योंकि बाकी जो मेटल्स है ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन लेड, इनके साथ इश्यू है, क्या इश्यू है कि सोडियम जो है और पोटेशियम ये वायलेंट रिएक्शन करते हैं विथ एक्सप्लोजन, जब भी इनका रिएक्शन किसके साथ HCl डायल्यूट HCl डायल्यूट H2SO4 के साथ होता है तो ये वायलेंट एक्सप्लोजन करते हैं, वायलेंट रिएक्शन होता है एक्सप्लोजन के साथ, हाइड्रोजन देंगे लेकिन वायलेंट रिएक्शन होता है एक्सप्लोजन के साथ। कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या इशू है कि ये थोड़ा महंगे हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव मेटल्स है। एल्युमिनियम के साथ इश्यू है कि जब भी रिएक्शन करते हैं H2 के साथ तो Al2O3 बना लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर, जो कि फर्दर रिएक्शन को नहीं होने देता है, ठीक है। एल्युमिनियम का रिएक्शन H2 के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस आएगा, लेकिन थोड़े तुरंत में ही वो अपने सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाता है किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और वो फर्दर रिएक्शन को होने से प्रिवेंट करता है। इसमें लिखा भी हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ Al2O3 रेंडर्स द मेटल पैसिव। आयरन के साथ इश्यू है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर देता है, रिवर्सिबल मतलब जानते हो आप, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो बनता है ना वो दोबारा रिएक्टेंट बन सकता है, ठीक है, यानी कि इधर हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं और फिर प्रोडक्ट लिखते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी बन सकता है, दोबारा रिएक्टेंट में भी बदलते रहता है, समझ में आ रहा है, क्यों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बनता बल्कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बनते रहता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और लेड के साथ इशू है कि एक इनसोल्यूबल PbCl2 यानी लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट बना लेता है जो कि फर्दर रिएक्शन को होने से रोकता है। ये मैं सब क्या कह रहा हूँ कि जब मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना गाइस, इन मेटल्स का तो हाइड्रोजन देंगे लेकिन सबका एक साथ इशू है, इसलिए जिंक को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था उस समय ना। तो ये रहा लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारा, ओके। अब 2 मिनट के अंदर हम लोग इंडस्ट्री मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, आपको पता है जब ऑक्सीजन का हम लोग पढ़ रहे थे कि और इंडस्ट्रियल तरीके से ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त किया जाता है, एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रॉम एटमोसफेयर था और एक था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन गैस कैथोड पे मिलता था लेकिन हाइड्रोजन भी तो बाय प्रोडक्ट में मिलता था। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में और कुछ नहीं बल्कि एसिडुलेटेड वाटर का यूज करते थे, यानी कि एक ऐसे वाटर में ही डायल्यूट H2SO4 या कोई दूसरा एसिड थोड़ा सा डाल देते थे ताकि वे उसमें आयंस की संख्या ज्यादा हो जाए और कैरियर चार्जेस जितने ज्यादा होंगे करंट उसमें उतना ज्यादा ही फ्लो करेगा और हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छा होगा, है ना, अच्छे क्वालिटी का होगा। तो हाइड्रोजन एनोड पर मिलता है, याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि हाइड्रोजन किस पर मिलता है, एनोड पे कैथोड पे, तो कैथोड पे ऑक्सीजन मिलता है और एनोड पे, वहां पर पिक्चर भी दिया होगा शायद एयर ऑक्सीजन वाले चैप्टर में, तो हाइड्रोलाइसिस का दिया हुआ है पिक्चर, वहां जाके देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें इस पूरे चैप्टर में कुछ टॉपिक है वो है बोस प्रोसेस। बोस प्रोसेस क्या है, देखो बोस प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। बोस कौन है, तो बोस जानते हो, एक साइंटिस्ट का नाम था, आप और देख सकते हो कार्ल बोस, ठीक है, कार्ल बोस वॉज अ जर्मन केमिस्ट एंड इंजीनियर एंड नोबल लॉरिएट इन केमिस्ट्री। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में, पता करना किस साल मिला था और क्यों मिला था,
He was a pioneer in field of high pressure industrial chemistry and founder of IG Farben, at one point the world's largest chemical company. IG Farben एक कंपनी थी जो कि एक समय दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी थी. ये उसी कंपनी के फाउंडर भी थे, फाउंडर थे. तो ये कार्ल बॉश जर्मनी के रहने वाले थे. यार जर्मनी में बहुत सारा वैज्ञानिक खोज होते रहता है ना, हम लोग बस केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं और ये लोग खोज करते रहते हैं. तो बॉश प्रोसेस से कैसे हम लोग हाइड्रोजन को बनाए, ठीक है, बॉश प्रोसेस से हम लोग हाइड्रोजन को कैसे बनाए. तो वाटर गैस इज ए मिक्सचर, हमें पता है ना वाटर गैस कैसे बनता था. रेड हॉट कोक को हम लोग इसे सुपर हॉट स्टीम से पास करवाते थे, यहाँ H2O सुपर हॉट स्टीम से पास करवाते थे. तो हमें क्या मिलता था इस रिएक्शन में, CO प्लस H2 मिलता था, है ना. यही दोनों मिला के क्या होता था, वाटर गैस. यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को ही हम लोग इकट्ठे क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं. तो वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ CO एंड H2. ये कितने एग्जाम में, न जाने कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, जनरल कॉम्पिटिशन में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है वाटर गैस. ये नहीं कि वाटर गैस में देखो तो वाटर गैस में कहीं भी वाटर है लेकिन नाम वाटर गैस है, नहीं तो सो ठीक है. तो वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फुल स्टॉप. कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है गाइस, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आप एक मिनट, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि मुझे याद आ रहा है कि हाँ, कैटलिस्ट के माध्यम से ऑक्सीडेशन करना है ना, कैटलिस्ट के माध्यम से किसी भी रिएक्शन में, कैटलिस्ट के माध्यम से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो कैटलिटिक ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं. ओके, तो कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है. तो जब हम, अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया वाटर गैस कैसे मिला, रेड हॉट कोक को सुपर हीट स्टीम के साथ पास करवाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का हमें मिक्सचर मिला जिसको वाटर गैस कहते हैं. लेकिन अब इसी वाटर गैस को, ठीक है, इसी वाटर गैस को वाटर के स्टीम के साथ पास करवाएं और कैटलिस्ट क्या लिए हम लोग, आयरन ऑक्साइड, है ना, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड लिए हम लोग, जो भी आयरन ऑक्साइड कह सकते हो या फेरस ऑक्साइड, इसमें प्लस थ्री में है ना, फेरिक ऑक्साइड कर सकते हो. और 450 डिग्री से 500 डिग्री तक का टेम्परेचर है और कैटलिस्ट ये है, तो क्या बनता है, कार्बन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है. लेकिन यहीं पर बात नहीं बनेगा, अब यहाँ से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि 300 एटीएम पे इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला देते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड के माध्यम से अलग होके बाहर निकल जाता है, क्योंकि मुझे केवल हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है. और इंडस्ट्रियल मेथड पे हाइड्रोजन को बनाने का जरूरत था, तो एक ऐसा चाहिए था हमें प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल मेथड पे बन सके, छोटा मोटा से नहीं हो सकता है. तो इस तरह से तो हम लोग CO2 को तो अलग कर दिया, लेकिन वाटर वेपर भी तो होगा ना इसमें. तो वाटर वेपर को अलग करने के लिए इसी को हम लोग -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल कर देते हैं, तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस कर जाता होगा. लेकिन अभी भी इसमें, इसमें इसी की बात हो रही है, इसके इसके CO2 को अलग कैसे किया गया, 300 ATM तक यानी हाई प्रेशर पर H2 के साथ मिला दिया गया, तो ये कार्बोनिक एसिड से अलग हो गया. लेकिन अभी भी इस जो H2 बचा हुआ है इसमें वाटर वेपर तो होगा, तो उसको अलग करने के लिए उसको कूल कर दिया जाता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. लेकिन अभी भी इसमें छोटा मोटा अमाउंट का, देखो CO के साथ यही तो रिएक्टेंट था ना, तो कुछ ना कुछ अमाउंट CO था इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी है, उसको अलग करने के लिए क्यूपरिक क्लोराइड, है ना, कॉपर क्लोराइड या जो भी कह सकते हो, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, ठीक है, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ पास करवाते हैं, तो एक एडिशन कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है. तो उसके बाद हमें प्योर हाइड्रोजन मिल जाता है. यहीं से समझ में आया, वाटर गैस से हम क्या करते हैं, वाटर गैस को फिर स्टीम से पास करवाते हैं, वाटर गैस को ही सुपर हीटेड स्टीम का पास करवाते हैं, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम को पास करवाते हैं वाटर गैस से. ये दोनों मिला के वाटर गैस इसी को कहते हैं. तो Fe2O3 कैटलिस्ट लेते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन में जाते, देख रहे हो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना. तो यहाँ पर जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड था ना गाइस, देखो यहाँ पर क्या बन गया, CO2 बन गया, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो CO2 बन गया. तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां एक जगह रिडक्शन भी होगा. तो यहां पर रिडक्शन भी हुआ, देख रहे हो यहां का वाटर जो है वो रिडक्शन होकर H2 की ओर बन गया, यानी यहां का ऑक्सीजन हट गया, देख रहे हो, और यहां एक ऑक्सीजन जुड़ गया. तो इसीलिए इस रिएक्शन को कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं, कि कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ CO होता है. इस रिएक्शन में कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. अरे समझ में, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का हटना ही रिडक्शन है,
ठीक है, और बहुत बार तो समझ में आ रहा, बस इतना याद रखो। एक और तरीका है रिडक्शन का, कि रिडक्शन हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन है, हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीडेशन, इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन आपको सबसे सिंपल ये समझना है ऑक्सीडेशन का मतलब, हाइड्रोजन के टर्म्स में मत अभी याद रखना, ऑक्सीजन के टर्म्स में याद रखो कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऐसा कह सकते हैं सो नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो यहां से फिर अब हमें प्योर हाइड्रोजन मिल जाएगा जी। यहाँ पर अब हमें क्या बचा, अब केवल प्योर हाइड्रोजन गैस बचा, इसी को बॉश प्रोसेस कहते हैं। तो बॉश प्रोसेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कंटेंस मीथेन एज मेजर कॉज, तो मीथेन से भी ये बन सकता है। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। सो ये बॉश प्रोसेस तो हमने इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी मेथड, जनरल प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स, उसका ऑकरेंस और कुछ प्रॉपर्टीज भी देखा हम लोगों ने, हाइड्रोजन के बारे में कुछ बात भी किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, अगला लेक्चर तुरंत आएगा। सो चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस चेकआउट करो, आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच।